मधुबनी में एक वीपीएससी शिक्षिका ने की आत्महत्या। बेनीपट्टी के ओड़ेन में पदस्थापित वीपीएससी शिक्षिका का फंदे से लटका मिला शव। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के ओड़ेन बलही टोल स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षिका का फंदे से लटका शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान ललमनिया थाना के डोबर बोना गांव के फूल कुमार यादव की पुत्री वर्षा रानी उम्र 22 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतका वीपीएससी की परीक्षा पास कर बीते वर्ष 2023 से उड़ेन बलही टोल स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका ने बीते रविवार को रात अपने किराए के मकान में पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शिक्षिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। बताया जा रहा है मृत शिक्षिका के साथ उसका एक भाई भी उसी मकान में रहता था। ऊपर के कमरे में मृतका का भाई और नीचे के कमरे में खुद मृतका रहती थी। मृतका के भाई ने बताया कि बीती रात में सब कुछ सामान्य था। मृतका भोजन का टेलीविजन देख रही थी और वह सोने चला गया। सोमवार की सुबह उठने के बाद उसने अपनी बहन को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद संदेह हुआ तो उसने घर के पीछे से खिड़की के पल्ला हटाकर देखा तो उसकी बहन पंखे से झूल रही थी। उसने यह भी बताया कि बहन की मौत की सूचना अपने पिता सहित अन्य परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन बदहवास बन कट्ठा के ओड़ेन गाँव पहुँचे। उधर जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना के एसआई शेषनाथ प्रसाद व मुकेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और बंद कमरे का गेट खुलवा कर शव को पंखे से नीचे उतार कर जांच की। पुत्री का शव देखते ही मृतका के पिता दहाड़े मार कर रोने और बिलखने लग गए। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि उन्हें दो पुत्र के अलावे एक मात्र यही पुत्री थी, जिसने वीपीएससी की परीक्षा पास कर हाल ही में शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की थी। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। कते दल पाए जा ज्यादा